झांसी में तेज रफ्तार कार ने घर के बाहर खेल रहे एक मासूम बच्चे को रौंद दिया। मेडिकल कॉलेज पहुंचने से पहले बच्चे की मौत हो गई। वही मौत के बाद घर में कोहराम मच गया। हादसे के बाद ड्राइवर कार लेकर भाग गया। वही शव को मुर्दा घर में रखवाया गया है, जहां दोपहर बाद पोस्टमार्टम होगा। आपको बता दें कि गुड़सराय के मोठ निवासी सतीश नापित का 6 साल का बेटा शाम घर के बाहर सड़क किनारे खेल रहा था, तो वहीं दादा बुद्धे ने बताया कि सड़क के उस पार एक ट्रॉली खड़ी थी। तेज गति में आ रही एक कार का संतुलन बिगड़ गया। ट्रॉली में टकराने से बचने के लिए ड्राइवर ने बच्चे की तरफ कार मोड़ दी, जिससे बच्चा कार से टकरा गया। टक्कर के बाद शाम गंभीर रूप से घायल हो गया, जहाँ उसे परिजन मेडिकल कॉलेज लेकर पहुंचे, तो वहीं डॉक्टर ने बच्चे को मृत घोषित कर दिया। इसके बाद माँ चीख चीख कर रोने लगी। आपको बता दें कि शाम कक्षा 1 में पढ़ता था। उसके पिता सतीश नाई का काम करते थे। दो भाइयों में शाम सबसे छोटा था, उससे बड़ा भाई गुलशन 12 साल का है। शाम की मौत के बाद घर में कोहराम मच गया, जहां पुलिस ने कार ड्राइवर की तलाश शुरू कर दी है। ब्यूरो रिपोर्ट, IPN।